After a long wait, finally we can see each other. I am Shambhavi Tejasvi. Welcome to Cosmic Breath Spiritual Foundation. So as I told you last week that we will discuss about the planets of yours in this month of September, how they are going to guide you according to your signs. Let's start with one by one with all signs that how this month will go. 10 days are already passed, but we still have 20 days in our hands. How we can utilize that 20 days, उसका जो maximum use कैसा हम कर सकते हैं और इस आने वाले 20 दिनों में हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, हाउ इट गोना बी, क्या खुशियाँ आ सकती है, कौन से टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं, ये सब जानते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे राशियों के अनुसार मर्क्यूरी रेट्रो जो अभी हुआ है सितंबर मंथ में, तो मर्क्यूरी रेट्रो का जो बुध है वो वक्री हुआ है, उसका हर राशि के ऊपर क्या असर होगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम सब जानते हैं कि मर्क्यूरी इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स, दैट इज इकोनॉमी, लिक्विड कैश। तो सबसे पहले मर्क्यूरी रेट्रो का जो इम्पैक्ट होगा किसी भी राशि पे, तो इन दो चीज़ों में इम्पैक्ट होगा। एक होगा रिलेशनशिप जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है, और कॉमर्स जो आपके फाइनेंसेस है, ये दोनों चीज़ों में लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप और फाइनेंस में हमें मर्क्यूरी क्या देगा इस मंथ में आफ्टर दिस रेट्रोग्रेशन, ये भी हम उसी साइन के साथ जानेंगे। जैसे मैं आपको गाइड करूंगी एक बाय एक साइन के साथ, तो उसी प्रकार से आप अपना, आपको क्या करना है, बस आपका जो कुंडली का चार्ट है उसमें फर्स्ट जो हाउस आता है जहाँ पे भाव लिखा है या एसेंडेंट लिखा है, उसमें कौन सा नंबर है वो है आपका एसेंडेंट या आपकी लग्न राशि, उस राशि के अनुसार आपको आपका हॉरोस्कोप जो है वो मैच करवाना है, जिसे हम सन साइन भी कहते हैं। लेकिन एसेंडेंट सन साइन में फिर से वेस्टर्न सन साइन भी आता है, वेस्टर्न जोडियक भी आता है, तो फिर जो हमारा साइन है जिसे हम एसेंडेंट लॉर्ड कहते हैं, एसेंडेंट हाउस कहते हैं, फर्स्ट हाउस, वहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो नंबर जिस राशि का है वो है आपकी राशि। तो अभी हम शुरू करते हैं एरिस यानी कि मेष राशि से। मेष राशि के लिए ये मंथ कैसे जाएगा, मेष राशि के लिए ये मंथ हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली थोड़े से उनके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो सकते हैं, इमोशनल लेवल पे भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, और वर्क प्लेस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी अनबन हो सकती है। रिलेशनशिप मेष राशि के लिए इस मंथ में अच्छा जाएगा, फैमिली लाइफ जो होगा वो अच्छा होगा, कोई नया रिलेशनशिप बिगिन होगा, किसी वेडिंग, आप कोई वेडिंग या कोई फंक्शन अटेंड करोगे, या फैमिली में कोई नया एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, न्यू पर्सन इंट्रोड्यूस होगा, और जो फैमिली का एटमॉस्फेयर होगा वो हैप्पी एटमॉस्फेयर होगा। मर्क्यूरी रेट्रो के कारण मेष राशि वालों को क्या रिजल्ट्स आएंगे ये अब हम देखते हैं। मर्क्यूरी रेट्रोगेड के कारण स्पेशली जो कम्युनिकेशन हम कहते हैं वो मेष राशि वालों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेष जो है वो मंगल की राशि है, तो वैसे भी उनका कम्युनिकेशन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और हार्श होता है, और मर्क्यूरी रेट्रो यानी वो इसमें चेंजेस लाएगा। तो आपको आपके आप वाणी पे कंट्रोल रखना है, आपके जो शब्द है उसे आपको बहुत सही तरीके से खर्च करना है, आपको बहुत सही तरीके से अपने वर्ड्स को यूज़ करना है, किसी को भी दुख ना पहुँचे इसकी आप कोशिश करें जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करें। फाइनेंशियली थोड़ा सा होल्ड बैक आप फील करेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेष राशि वाले इस मंथ में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, वो बैकफायर हो सकता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी ना करें, और मोर थिंकिंग टुवर्ड्स थिंकिंग मोर माइंडफुल रहे, कोई स्पेंडिंग अननेसेसरी ना करें। ये था मेष राशि के लिए। अब देखते हैं टॉरस यानी कि ऋषभ राशि। ऋषभ राशि वालों के लिए जो फर्स्ट हाउस होगा उसमें जो नंबर लिखा हुआ होगा वो होगा नंबर 2। तो इस मंथ में आप स्पेशली जो फीमेल है, जो वुमन है या गर्ल्स है, उनके लिए ये मंथ है ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। इस मंथ में आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपको एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस आएगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर आपका स्पेंडिंग भी बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि जो भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आपके हेल्थ में हो रहा है उस कारण आप बाहर निकलना चाहेंगे और कुछ एंजॉय करना चाहेंगे और आप पैसे खर्च करेंगे, बट दैट इज़ ओके अंटिल एंड अनलेस यू एंजॉय योर ओन मनी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट शुड बी योर ओन डिसीजन। बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है इस मंथ में टॉरस वालों के लिए, और जो बिजनेस ट्रैवल होगा वो गुड रिजल्ट्स भी आपको, फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। न्यू बिगिनिंग या न्यू एक्सपेरिमेंट अगर आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं
तो फिर आपको इस मंथ के लास्ट वीक तक वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस मंथ के लास्ट वीक में आप कोई भी डिसीजन लोगे या कोई एक्सपेरिमेंट करोगे या जॉब चेंज करना है, कोई भी आपको चीज़ न्यू बिगिनिंग करनी है किसी चीज़ की, इस मंथ का लास्ट वीक बहुत ही लाभदायी रहेगा। अभी देखते हैं मर्क्यूरी रेट्रो का इम्पैक्ट इनके ऊपर। तो वृषभ राशि वाले या टॉरस साइंस, जो टॉरसियंस है, उनके ऊपर जो इसका इम्पैक्ट होगा, तो जनरली क्या होगा कि थोड़ी सी लाइफ में टॉपसी टर्व्स वो फील करेंगे फाइनेंशियल लाइफ में, और थोड़े से कंफ्यूजन भी क्रिएट होंगे प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। स्पेशली प्रोफेशनल रिलेशनशिप में थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस वृषभ वालों के लिए भी है, इसलिए वो भी अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, अपने शब्दों को यूज़ करते समय उनका मैक्सिमम पोलाइटनेस अपने बिहेवियर में रखें, और किसी भी चीज़ से ओवरवेलम या ओवर एक्साइटेड ना हो जाए। ये इवेंट बैड नहीं है आपके लिए, बट ये आपको एक कॉन्शियसनेस देगा कि जिससे भी आप डील कर रहे हो उसमें आपको एक सही तरीके से पेशेंस से कैसे उनसे डील करना है। अब जानते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के बारे में। जो चार्ट मैंने आपको बताया है एसेंडेंट नंबर, उसमें अगर फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो वो है जेमिनाई आपका एसेंडेंट। तो उन लोगों के लिए फाइनेंशियली और वेल्थ के हिसाब से ये मंथ बहुत ही अच्छा जाएगा, उनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली अबेंडेंस आएगा, पैसे आएंगे, किसी ना किसी तरीके से पैसे घर में आते रहेंगे, और आपको कहीं क्वाइट प्लेस पे कोई वेकेशन लेने का मन इस मंथ में बहुत करेगा कि कहीं जाके एक शांति में, बहुत भीड़ भाड़ से दूर जाके, कहीं शांति में जाके एक छोटा सा वीकेंड या कोई वेकेशन आप ज़रूर प्लान करोगे। और इसमें क्या होगा, एक और बात होगी कि ये वेकेशन के साथ आपको एक प्रिकॉशन लेना है, वो है आपके वर्क प्लेस पे, अगर आपका बॉस स्पेशली ओल्ड है या ओल्ड एज है तो वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके वेकेशन का इम्पैक्ट जो है ना वो आपके वर्क प्रोफाइल पे पड़ सकता है। ऑफिस में किसी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, और कोई वर्क ऐसा होगा जिसमें डिले भी हो सकता है आपके साइड से, आप किसी प्रोजेक्ट को डिले कर सकते हो। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी रिलेशनशिप में आप किसी का ईगो हर्ट ना होने दें, आपको भी अपने वर्ड्स को बहुत ही वाइसली यूज़ करना है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है वो जेमिनाई को, वैसे भी जेमिनाई या मिथुन राशि का स्वामी जो है वो मर्क्यूरी बुध होता है, तो आपके लिए क्या होगा इस रेट्रोग्रेशन के दौरान कि थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू अदर साइंस। आप एक रेस्टलेसनेस और स्ट्रेस भी फील करोगे, थोड़ा सा एंग्जायटी भी आपके बिहेवियर में आ जाएगा, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर, एंड आई विल से जस्ट गो विथ फ्लो एंड फॉलो योर इंट्यूशंस, बिकॉज किसी और का एडवाइस डेफिनेटली इस मंथ में मत लीजिए। अगर आप ले भी रहे हैं तो भी उस पर अपना खुद का थॉट डाल के फिर उसके बाद ही डिसीजन लीजिए, कोई और आपको कंट्रोल करे तो वो डिसीजन 100% फेल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि की। कर्क राशि जो है ये मून के अंडर आती है, और ये बहुत ही सॉफ्ट और लविंग साइन है, और इसे हम मृदु स्वभाव की व्यक्ति हम कह सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए। ये मंथ जो है वो कर्क राशि वालों के लिए खुशियों भरा है, प्रॉस्पेरिटी है, फैमिली लाइफ है, बिजनेस ट्रिप भी इस मंथ में अगर उनकी प्लान है तो वो भी अच्छे रिजल्ट देगी, जो भी डिज़ायर विजिट किसी स्पेशल प्लेस के लिए प्लान किया है वो भी उनको अच्छा रिजल्ट देगा, और एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रिलेशनशिप्स में भी आएगा। अगर आपका लव रिलेशनशिप है या मैरिड लाइफ है, जो भी पार्टनर है उसके साथ जो आपका रिलेशन है, जो आपका बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल ये जो मंथ है वो कैंसर साइंस के लिए, कर्क राशियों के लिए बहुत ही अच्छा है, बट अभी जब मर्क्यूरी रेट्रो हो रहा है तो उसका इस पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो कोई भी अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा सोच के उसको सेकेंड थॉट दे के देखिए, अगर आप होल्ड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और किसी का एडवाइस लेके अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप है, न्यू रिलेशनशिप के चांसेस कम है कैंसर साइन के लिए, लेकिन कोई भी पास्ट रिलेशनशिप होगा या कुछ ब्रेकअप हुआ होगा पहले कहीं, वो शायद फिर से रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है, और उससे आपको स्ट्रेस होगा, कुछ फिर से नया ड्रामा उस रिलेशनशिप में आपके साथ हो सकता है। सो बी
कॉन्शियस और थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप के प्रति आप थोड़ा सा जागरूक रहे। ट्रस्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में। तो इस मंथ में वाइल जो ये मर्क्यूरी रेट्रो का मूवमेंट चल रहा है उसमें आप अपने ट्रस्ट को ब्रेक मत होने दीजिए। लियो यानी सिंह राशि वाले, ये जो साइन है ये मेरा सबसे फेवरेट साइन है। इसके लोग हैं, सारे ही साइन अच्छे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, सारी राशि अच्छी है, सभी राशियों की गुड और बैड दोनों क्वालिटीज है। पर्सनली मेरा लियो से एक स्पेशल अटैचमेंट है। तो लियो के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, ये एक बहुत ही वेल्थ ग्रो करने वाला मंथ रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स अच्छे जाएंगे लियो के लिए। करियर में अगर आप कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छा जाएगा। आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन अपने पार्टनर की तरफ या अपनी लव लाइफ में या अपने रिलेशनशिप्स में दो वो आपके लिए बेहतर होगा। कि इस मंथ में आप ऐसे दिख रहा है कि आप इतना वर्कहोलिक हो जाओगे या इतना अपने काम में बिजी हो जाओगे कि आप अपने रिलेशनशिप्स की, पार्टनर की, फैमिली की नीड्स को थोड़ा सा निग्लेक्ट करोगे, जिससे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स फैमिली लाइफ में आ सकते हैं, थोड़ी सी हार्डशिप आ सकती है। मर्क्यूरी रेट्रो जो है उसका आपको फाइनेंशियल टर्म्स में डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी न्यू रिलेशनशिप आप डेवलप करोगे वो चाहे बिजनेस में हो या पर्सनल लाइफ में हो, वो आपको सही होगी, आपके लिए आपको फ़ायदा ही देगी वो। बट आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिए। किसी के भी साथ अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है ऐसे देखिए तो उसे आप बचिए या उसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसे कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा। इससे जस्ट एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा और वो रिलेशनशिप थोड़े टाइम के लिए डैमेज हो जाएगा। तो आप बस, आपको भी जैसे लियो है वो बहुत हार्श फायर साइन है और वो बहुत ही हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं जब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और सत्य को ही अपना परिभाषा मानते हैं। तो जो भी है, लेकिन आप अपने किसी भी वर्ड के कारण किसी का इमोशंस हर्ट नहीं हो रहा है, इसको डेफिनेटली ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर मर्क्यूरी रेट्रो के इस दौरान आप कोई नया इन्वेस्टमेंट, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, गो फॉर इट, ब्लाइंडली गो फॉर इट, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब हम बात करेंगे वर्गों की, यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये जो मंथ है ये प्रोग्रेसिबल रहेगा। फाइनेंशियल मैटर्स में ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर किसी चीज़ के लिए रिलेटिव से कोई हेल्प की उम्मीद है वो आपको मिल जाएगी। जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे। आपका जो फ्रिक्वेंट ट्रैवल इस मंथ में रहेगा वो शायद आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। देर में भी अ म्यूचुअल टेंशन इन द फैमिली ऑल्सो, तो वो किसी प्रॉपर्टी को रिलेटेड कोई टेंशन आपकी फैमिली में इस मंथ में हो सकता है। इसके अलावा मर्क्यूरी रेट्रो के कारण जो एक्सपीरियंस आप नोटिस करोगे वो ये होगा कि आपके आसपास लोगों में बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे, स्पेशली आपके करियर में, वर्क प्लेस में, प्रोफेशनल लाइफ में। जो है किसी अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाले हैं, वेदर टू डू इट और नॉट, ये जो है उसे आप किसी कन्फ्यूजन पे जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप जितना हो सके ट्राई टू स्टे काम, रिव्यू एवरीथिंग एंड देन ट्राई टू टेक एनी डिसीजन, डोंट बी इन हरी फॉर दैट। लीब्रा, नेक्स्ट साइन इज लीब्रा। लीब्रा जो साइन है तुला राशि, इनके लिए ये मंथ बहुत हैप्पी और रोमांटिक रहेगा। अपॉर्चुनिटीज भी अच्छे हैं, वर्क प्लेस में भी उनको सक्सेस मिलेगा बहुत अच्छे से। और कोइंसिडेंसली ऑस्पिशियसली वेल्थ ग्रो जो है वो बहुत ज़्यादा है और हैप्पीनेस भी है, वो दोनों चीज़ें एक साथ हाथों में हाथ डाल के आपकी लाइफ में आ रही है। हेल्थ भी आपका अच्छे से इम्प्रूव होगा, अगर आप किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं तो वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो लास्ट वीक ऑफ मंथ जो है उसमें सिचुएशन इम्प्रूव होगा हेल्थ से रिलेटेड। थ्रू आउट द मंथ वैसे भी आपके लिए कोई ज़्यादा हर्डल नहीं है, दोनों चीज़ें अच्छे से बैलेंस हैं। मर्क्यूरी रेट्रो के कारण आपको बस मैं एक एडवाइस दूंगी कि कोई भी आपका न्यू इन्वेस्टमेंट है या न्यू फाइनेंस से रिलेटेड है, किसी एक बड़े प्रोजेक्ट में आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसे जितना हो सके अवॉइड कर दीजिए। हेल्थ वाइज ज़्यादा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ इस रेट्रोगेशन। आफ्टर दिस मंथ ऑल्सो यू विल फेस अ लिटिल ट्रबल। ये मंथ तो आपको डेफिनेटली हेल्थ के लिए भी अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है और करियर के लिए भी अच्छा है। बट डू नॉट स्ट्रेस सो मच, अदरवाइज थिंग्स विल गेट वर्स ओवर थिंकिंग से। बाकी आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है स्कॉर्पियो या वृश्चिक। स्कॉर्पियंस जो होते हैं उनके लिए, उनका जो माइंड है वो इस मंथ में बहुत ही न्यू प्रोजेक्ट्स में अड़ा रहेगा कि कुछ नया स्टार्ट करना है, दे आर थिंकिंग समथिंग न्यू।
और उसमें एक कोइंसिडेंट ऐसा है कि उनके लिए भी वर्क प्लेस और ग्रोथ जो है, वेल्थ ग्रोथ, ये दोनों ही बहुत अच्छे साबित होंगे। तो करियर के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। कोई इन्वेस्टमेंट भी आप करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। कोई नया प्रोजेक्ट भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। जो फोकस आपके रिलेशनशिप पे है वो भी अच्छा रहेगा, आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, फैमिली में भी जो है वो बैलेंस बना रहेगा। बट एक थोड़ा सा रेस्टलेस आपकी लाइफ में रहेगा, आप बहुत ही अति उत्साही इस मंथ में अपने आप को फील करेंगे। और जो मर्क्यूरी ट्रांजिट है इसके कारण टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस मंथ और उसके बाद इस जो ये जो एक ट्रांजिट है बना हुआ मर्क्यूरी रेट्रो का, इसके दौरान कोई रिलेशनशिप ड्रामा हो सकता है। तो कोई भी इशू है उसे इमिडिएटली रिजॉल्व करने की कोशिश करें और अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहे, उनको सारी बातें बता दें जिससे ऐसी कोई बात हो जिससे आगे चल के कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। वर्क फ्रंट पे आपको हार्ड वर्क करना है, लॉयल्टी दिखानी है और आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा या मनी होगा उसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, इस राशि के लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे हाथ में बाण पकड़ दिया और छोड़ दिया, सोचेंगे भी नहीं और बाद में सोचेंगे। तो आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले सोचना है, कोई भी बाण छोड़ने से पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, मेडिटेट करना है कोई भी डिसीजन है उसके लिए कि ये क्या ये करना ज़रूरी है, क्या ये बोलना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस में तो आपकी तरक्की होगी, फेवरेबल टाइम इकोनॉमिक पॉइंट्स के हिसाब से भी आपके लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये अच्छा है। फैमिली में ज़रूर कोई सेलिब्रेशन होगा, पूरे सितंबर में आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन ज़रूर होगा, आप टाइम एंजॉय करोगे फैमिली लाइफ के साथ। बिजनेस ट्रैवल आप इस मंथ में जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए और लव रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना है, अदरवाइज वहाँ पे थोड़े से डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। कोई भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसके लिए मैक्सिमम ट्राई करें। इस साइन के जो लोग हैं स्कॉर्पियंस जो है उनके लिए मर्क्यूरी रेट्रो के कारण जो प्रॉब्लम आने वाली है वो है कि पास्ट रिलेशनशिप्स में से कोई आपको आके हर्ट कर सकता है, समथिंग ड्रामा विल हैपन। प्रोफेशनली न्यू अपॉर्चुनिटीज तो आपको आएगी, तो ख्याल रखिए कोई भी पास्ट रिलेशनशिप अगर रिकनसाइल हो रहा है फिर से तो आप अपने शब्दों पे कंट्रोल रखिए, कुछ भी ऐसा अपने साइड से ड्रामा क्रिएट मत होने दीजिए। इसके बाद जो साइन है वो है कैप्रिकन। कैप्रिकन जो है वो मकर राशि है, शनि के अंडर आती है। इन लोगों के लिए जो शनि का भी ट्रांजिट हुआ है और जो मर्क्यूरी का भी हुआ है उन दोनों का भी इनके लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सक्सेस इन्वेस्टमेंट थ्रू इनके पास है इस मंथ में, स्पेशल सक्सेस ऑल्सो दे विल अचीव इन द बिजनेस ट्रैवल। रेस्टलेसनेस थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है लव रिलेशनशिप्स को लेके, तो और हेल्थ के लिए भी आपको एक अटेंशन रखना है। पैसे के लिए तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप और हेल्थ दोनों चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। कैप्रिकन्स के लिए ये जो रेट्रोगेशन आएगा इस दौरान उनको थोड़ा ज़्यादा दूसरी किसी राशि से कंपेयर अगर हम करें तो थोड़ा ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहेगा, स्ट्रेस रहेगा और एक क्वारल्स रहेंगे। ऑफिस एनवायरनमेंट में आपके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है। रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा सेटल डाउन होने के लिए आपको बैक फुट स्टेप लेना पड़ेगा और अपने साइड से अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। तो ये जो है ये आपको मतलब सतर्क रहने का टाइम है हर किसी चीज़ के लिए। एक्वारियस जो है वो जिसे हम बोलते हैं कुंभ राशि, ये भी शनि की जो है वो उच्च की राशि है। इस राशि में अभी एक्वारियस को ये जो मंथ जाएगा कुंभ राशि वालों को वो तो खुशियों भरा रहेगा। लिसन टू योर माइंड एंड देन टेक डिसीजंस इन बिजनेस सेक्टर, डू नॉट टेक एनीवनस एडवाइस फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। हेल्थ के लिए थोड़ा सा अटेंशन ज़रूरी है, किसी प्लेस जाने के लिए कोई ट्रैवल अगर आप कर रहे हो तो ट्रैवलिंग में हेल्थ का ख्याल रखिए क्योंकि आपको ट्रैवल में हेल्थ के इश्यूज होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस आप इस मंथ में फील करोगे, बिजनेस ट्रैवल भी आप एंजॉय करोगे और जो रेट्रोगेशन हो रहा है उसके कारण जो है तो आपका फैमिली और आपके घर की तरफ जो भी कमिटमेंट्स है उसकी तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा कमिटेड होना है और आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो एंड परचेसिंग एसेट्स ऑल्सो फॉर एक्वेरियंस। बट एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों को है कि चीज़ों को अपने तरीके से
Let them fall in their own way at the right place. Don't be in a hurry to take any decision. The last sign, Pisces. Pisces के लिए ये जो मंथ है मीन राशि वालों के लिए फाइनेंशियली इट इज अ वेरी गुड मंथ फॉर एनी न्यू इन्वेस्टमेंट न्यू बिगिनिंग बट अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स आपको अवॉइड करने हैं स्पेशली इन लव रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपको अटेंशन देना है हेल्थ के लिए भी प्रॉस्पेरिटी है फैमिली लाइफ भी अच्छा है अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रख सकते हैं तो कोई आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दिख रही है और जो आपका फैमिली लाइफ होगा वो आप एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए कि बहुत ही अच्छा होने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर वन मंथ इस मंथ में आप अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे वही आपके लिए बहुत अच्छी बात है दैट इज़ द ओनली एडवाइस आई विल गिव यू फॉर दिस मंथ ऑल्सो टू ट्रैवल जो है आपका वर्क रिलेटेड हो या पर्सनल ट्रैवल भी हो कोशिश कीजिए कि वो डिले हो जाए या अवॉइड किया जाए ताकि वो फ्रूटफुल रहे अदरवाइज वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए पाइशियंस के लिए जब बात आती है मर्क्यूरी रेट्रो की तो इसका जो इम्पैक्ट है और जो डिस्टर्बेंस है वो सीधे आएगा आपकी लव लाइफ पे या आपकी रोमांटिक लाइफ पे तो जो भी है ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द आर्ग्यूमेंट्स ऑन द टाइम कोई भी पेंडिंग मत रखिए अपने साइड से आप टेक अ फुट स्टेप और कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लेके किसी से अगर कोई आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसे आप क्लियर कर लीजिए कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर एवरीथिंग फॉर यू इन दिस मंथ इट कैन बी फॉर वर्क इट कैन बी फॉर रिलेशनशिप इट कैन बी फॉर एनी न्यू स्कोप एक्सपेंशन और एनी न्यू बिगिनिंग इन द रिलेशनशिप्स सो कम्युनिकेट वेल अगर आप ये कर पाते हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा ये था सितंबर के लिए आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस सारे 12 राशियों के लिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है फिर से एक बात बता रही हूँ ये जो है ये चंद्र राशि या मून साइन पे बेस नहीं है आप मून साइन से इसे जोड़ सकते हैं लेकिन आपको अगर परफेक्ट अपना इसका एनालिसिस अपने आप से मैच करना है यू हैव टू गो फॉर एसेंडेंट दैट इज द नंबर विच इज रिटन इन द फर्स्ट हाउस ऑफ योर साइन अकॉर्डिंग टू दैट So now, I will come to you again with a new topic. Thank you so much for being with me and with our channel. Shubham Bhavatu.